हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास एट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ कंडीशन हमारे पास गिवन है इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4, BC equal to 4.4 centimeter. Angle A given is 70 and angle C 65 degree. तो देखिए, इससे पूछा है कि कैन ए क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा और फिर हमें जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है उनको यूज करना होगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने यूज किए थे पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। कैन ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर भी बनाना है हमें जिसकी फोर साइड है। अभी हम इसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, ये क्वाड्रिलेटर है, तो हम एक सिंपल क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं फोर साइड की। रेंडमली कैसे भी बनाया आपने, ड्रॉ किया एक क्वाड्रिलेटर, कोई नाम दे दो उसको। ये गिवन है हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब गिवन कंडीशन को चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास मे बी और नॉट बी, ओनली एक ही कंडीशन हमारे पास गिवन है कि एंगल डी और एंगल बी का सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। वी नो दैट जो एडजेसेंट हमारे पास एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, उनका जो सम है 180 डिग्री होता है हम जानते हैं। लेकिन इस केस में हम कह भी सकते हैं कि मे बी और नॉट बी, ओनली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वी तो हम आंसर राइट करेंगे इट कैन बी या इट मे बी। इट मे बी पैरेललोग्राम और नो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन हमको पता है कि अपोजिट्स जो हमारे पास साइड होती है वो पैरेलल होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड पैरेलल के अकॉर्डिंग इक्वल भी होती है, और फिर जो सम ऑफ एडजेसेंट जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मीन्स कंटिन्यू आने वाला, जैसे ये हमारे पास एंगल ए एंगल बी, इसका सम ठीक है 180 डिग्री होना चाहिए। तो सेकंड केस को हम देखिए डिफाइन, हमारे पास कंडीशन की वन है ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल, ये ए बी और ये डी सी इक्वल, और वो है 8 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो इसको चेक करते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटर में हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हमने राइट किया। अब चेक करते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती, लेकिन देखो ये अपोजिट ये 8 सेंटीमीटर ये तो इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इस केस में ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। सेकेंड कंडीशन तक हमारे पास, अब देखिए थर्ड कंडीशन, एंगल ए 70 डिग्री हमारे पास, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल ए 70 डिग्री, एंगल सी 65 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हमें बताने कि पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम के अंदर हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। अब इस केस में अपोजिट एंगल ए एंड सी और इसके एंगल गिवन है 70 एंड 65, ये इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन में हमारे पास एंगल ए इज नॉट
इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, 70 है यहाँ पर और ये 65, तो इक्वल नहीं है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इसमें भी हम राइट करेंगे इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चंस ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, लेकिन जब पॉसिबिलिटी हो तो डायग्राम बना के आप राइट करें तो उससे इजीली हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को और इजीली वो सॉल्व भी हो जाता है। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.3 के जो बाकी के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, पर याद रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करी, हो सकता है दूसरे क्वेश्चनों में दूसरी आपके पास क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन अटेंड करना है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा।